गारंटी देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आ जाए तो भाई जिंदा जला देना, इससे बस इससे स्वागतम स्वागतम। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो भाई साहब क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप कम से कम पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में 95 से 99 नंबर तक ला सकते हो। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन होता है कि भाई हिंदी कक्षा 10, ठीक है, उसके बाद क्या क्या पढ़े आपके मन में क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब की बार जो आपका मॉडल पेपर है इसको आप देखो, इसमें आप लोग देखोगे कि पूरे के पूरे 20 अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न है। तो 20 पूरे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप बहुत ही आसानी से इनको काउंटर कर सको। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मैं जो बताऊंगा वही आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद दूसरी चीजें तैयार करनी है, ठीक है। तो पूरे का पूरा 70 नंबर इसमें मैं क्लियर करवाऊंगा, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे, 100 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोग देखो सबसे पहले, ठीक है, पहले में क्या है कि महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक और विधा। यहां पर इसका मतलब क्या है, महत्वपूर्ण लेखक कवि और विधा का मतलब क्या है, ये देखो गद्यांश के लिए मैं बताया, यानी गद्य के लिए, ठीक है। गद्य में आपका टोटल 5 नंबर मिलेगा और 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा रचनाएं और इन रचनाओं के जो भी कवि हैं लेखक हैं और विधा क्या है, ठीक है, ये आप तैयार कर लो। बस एक बात और कि भाई जैसे आदिकाल किस युग से किस युग तक था, यानी आपको समय सीमा बतानी पड़ सकती है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है, तो वो भी आपको तैयार करनी है और मैं आपकी सारी तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि भाई द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग एवं रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं, कवि और काल आपको याद करना पड़ेगा। फिर से इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे, आप देख सकते हो टोटल, ठीक है, तो 5 नंबर इसमें भी आपको मिलेंगे। अब इसमें आप लोगों को विशेषताएं भी याद करनी पड़ेगी, हो सकता है विशेषताएं भी आ जाएं, ठीक है। जो भी होता है मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपको सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो भाई विशेषताएं आ सकती हैं, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले पहले आपको तैयार करना है कवि और काल और लेखक का नाम, जो भी है कवि का नाम, ठीक है, उसके बाद आपको विशेषताएं तैयार करनी है, ठीक है। दो विशेषताएं आप लोग देख लेना, थोड़ा पढ़ लोगे आ जाएगा। उसके बाद आपको तैयार करना है जीवन परिचय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन परिचय। अब आप बोलोगे भैया जीवन परिचय हम पहले क्यों तैयार करें, ये टोटल अब की बार 10 अंक का पूछा जाएगा। पहले जो जीवन परिचय पूछा जाता था वो टोटल पूछा जाता था केवल और केवल 3-3-6 यानी 6 अंक का, लेकिन अब की बार 10 अंक का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये है मेरे पास हिंदी 2022 का पूरा पेपर, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम का है। तो यहां पर आप लोग देखो कि क्या जीवन परिचय में पहले आता था, तो पहले इस तरीके के प्रश्न आते थे और ये इस तरीके के, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जीवन परिचय जो आते थे वो 3 नंबर के आते थे, 3 नंबर का गद्य का जीवन परिचय यानी लेखक परिचय, और 3 नंबर का ही पद्य की तरफ से, यानी ये देखो तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ये 4, ठीक है, तो 3 नंबर के ये आते थे 3 नंबर के। तो यहां पर आपको टोटल कितने मिलते थे, 6 नंबर मिलते थे, लेकिन अब की बार तो यहां पर दिया है पूरा का पूरा 10 नंबर का। क्यों, क्योंकि 3+2 यानी आपका यहां पर मिलेगा 5 नंबर, यानी लेखक परिचय के लिए, यानी गद्य जीवन परिचय के लिए, और पद्य जीवन परिचय के लिए, यानी कवि परिचय के लिए भी आपको मिलेगा 3+2 यानी टोटल 5 नंबर, यानी टोटल हुए 10 नंबर। तो आपको सबसे पहले जीवन परिचय तैयार करनी है भाई। अब किसका किसका जीवन परिचय तैयार करना है, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है, तो मैंने यहां पर बताया है कि भाई सबसे पहले तैयार करो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उसके बाद तैयार करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और तीसरा तैयार करो जय शंकर प्रसाद जी का, ठीक है। इनको आप तैयार कर लेते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूं, कितना 1000% कह लो, गारंटी देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आ जाए तो भाई जिंदा जला देना, इससे बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई आएगा पक्का, यही आएगा यार, ठीक है, तो आप तैयार तो करो पहले। उसके बाद आपका आता है कवि परिचय, कवि परिचय यानी पद्य जीवन परिचय में आपको तैयार करना है तुलसीदास का जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, और एक हो सके तैयार कर लेना सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। अब आप बोलोगे भैया तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, ना ये देखो आपका जो 6वां क्वेश्चन रहेगा वो जीवन परिचय का रहेगा, 6वां कक्का में आप देख सकते हो ये जीवन परिचय तीनों पूछे गए हैं, और यहां पर 6वें कक्का में पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, तो आप 3 ही तैयार कर लोगे तो आ जाएंगे वैसे। लेकिन ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया है वो वाला है, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कि जहां से आया मैंने उठा लिया कि बोर्ड एग्जाम ने जारी किया मॉडल पेपर, ऐसा नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बोर्ड द्वारा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जारी किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहां पर मिलेंगे टोटल 10 नंबर, ठीक है। तो
अब आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको तैयार करना है गद्यांश में। गद्यांश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एक संदर्भ पूछा जाएगा, व्याख्या पूछी जाएगी और उत्तर पूछा जाएगा। एक उत्तर आएगा जो कि आपको टोटल देगा 6 अंक, यानी 2+2+2, ठीक है, यानी तीनों के भाई 6 नंबर मिलेंगे और टोटल आपका 12 नंबर का आएगा। कैसे, एक आपका पद्यांश की तरफ से क्वेश्चन आएगा यानी काव्य की तरफ से, उसमें भी आपको संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा और उत्तर पूछेगा। मैं एक बात बता दूं, जो गद्यांश में क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल पहले की जैसे सेम है। मैं यहां पर आपको दिखा दूं, अगर तो यहां पर आप लोग देखो कि पहले जो क्वेश्चन आता था ये यहां पर, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। 3 क्वेश्चन आते थे, 6 नंबर के आएंगे, ये वाला तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका और 2 नंबर इसमें, उत्तर एक देना पड़ेगा, उत्तर इसी में मिल जाएगा भाई, बिल्कुल सरल होता है। तो जितने भी गद्यांश वाले ये होते हैं, संदर्भ होते हैं, व्याख्या होते हैं, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। आपको लेखक का जीवन पर लेखक का परिचय याद होना चाहिए कि भाई कौन सा चैप्टर है और उसके लेखक कौन है, बस आपका पूरा खत्म, 6 नंबर मिल गया। लेकिन यहां पर दिक्कत आती है पद्यांश में। पद्यांश में मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर आप देखो, ये 4th क्वेश्चन जो आता था आपका पद्यांश का आता था, ठीक है, एक ये है, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता था। लेकिन अब की बार इसमें पहले क्या पूछता था कि भाई संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, केवल संदर्भ सहित व्याख्या, यानी 1 नंबर आपका संदर्भ, 4 नंबर की व्याख्या आती थी और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य आता था। लेकिन अब की बार जो आया है वो चेंज हो चुका है। अब की बार जो आपका आएगा वो आएगा संदर्भ, व्याख्या और 1 प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर, ठीक है। बोर्ड का मॉडल पेपर है, यहां पर आपका वर्णनात्मक प्रश्न बा, यहां पर पहला प्रश्न आप देख सकते हो, यहां पर क्या दिया गया है कि भाई ये जो दिया गया है उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, इसमें 2 नंबर मिलेगा और इसके 2 नंबर मिलेगा, अथवा में भी दिया रहेगा कि भाई दोनों में से किसी एक को करो। और उसके बाद आप लोग यहां पर देखो, ये इसमें भी 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मतलब अथवा वाला है। उसके बाद ये आपका आ जाता है पद्यांश वाला, यानी पद्य वाला, यानी काव्य वाला, है ना, काव्य वाला। तो काव्य वाले में आपकी बार क्या पूछेगा, देखो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ का आपको 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, जो कि पहले 4 अंक मिलते थे। और उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है काव्य सौंदर्य, यानी 2 नंबर इसके मिलेंगे, यानी 1 प्रश्न पूछेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तैयार इसके आधार पर करना है। जो बता रहा हूं उसको पहले तैयार करना है और जो बाद में बता रहा हूं उसको बाद में तैयार करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको आपकी मेहनत कम लगे, ठीक है। मैं तुमको एक सारथी की तरह बोर्ड एग्जाम तक ले जाना चाहता हूं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाकर वापस लाना चाहता हूं, तभी तो तुम खुश रहोगे ना। इसीलिए भाई साहब आप अर्जुन बनो, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं, बस सिंपल सा समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आएगा, आगे आपको पढ़ना है यहां पर 5वां क्वेश्चन में संस्कृत गद्यांश। आप बोलोगे भैया इसको आपने पहले क्यों रखा, ये चटक नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दूसरा पेन बदल दूं, ठीक है, लाल ही ले लेता हूं। तो यहां पर संस्कृत गद्यांश पढ़ोगे और संस्कृत पद्यांश पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है, संदर्भ आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद लिखोगे 3 नंबर, टोटल आपका मिलेगा 5 नंबर, 5 नंबर कम नहीं होते। और दूसरी बात, संस्कृत पद्यांश जब आप लिखोगे तो संदर्भ लिखोगे 2 नंबर और अनुवाद लिखोगे 3 नंबर, यानी 5 नंबर इसमें भी मिलेंगे। जैसे कि यहां पर दिया गया, मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप लोग देखो ये भाई क्या दिया गया है, ये संस्कृत गद्यांश दिया गया है यहां पर। ये गद्यांश में आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये 3रा क्वेश्चन, ठीक है, गद्यांश में कि भाई 5 नंबर का आएगा आपकी बार। तो यहां पर देख सकते हो ये एक आएगा, एक ये आएगा, मतलब गद्यांश गद्यांश का ही आएगा, ठीक है। और इसमें आपका अनुवाद देगा और संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 2 चैप्टर केवल तैयार कर लो, भारतीय संस्कृति और वाराणसी वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को तैयार करते रहो, 100% इन्हीं में से आएगा और बाहर से कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है कि भाई पद्यांश में से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2+3, एक प्रश्न अब की बार नया आया है। तो यहां पर आप देख सकते हो, मानम हित्वा प्रभो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। अब यहां पर ध्यान देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना कि आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले इसका आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, नहीं अब की बार अलग आएगा, और इसका ही अनुवाद करना पड़ेगा, यानी आपको 2+3 यानी टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसी को तैयार करना है, क्योंकि भाई 5 नंबर कम नहीं होते, थोड़ा सा पढ़ के आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा भी। उसके बाद आपका आता है निबंध, निबंध में क्या आएगा आपकी बार भैया, निबंध 9 नंबर का आएगा, पहले निबंध आता था आपका टोटल 6 नंबर का, ये देखो यहां पर है, ये 6 नंबर का आपका निबंध आता था, जिसमें आपके 4 निबंध आते हैं और एक का आपको लिखना होता है, एक का किसी का भी लिख सकते हो इनमें से। लेकिन अब की बार भी इसी तरीके का प्रश्न आएगा, लेकिन अंक जो आएंगे वो 9 नंबर के होंगे। निबंध आपको सबसे पहले तैयार करना है, ये देखो 9 नंबर का आएगा। अब आप बोलोगे भैया प्रूफ क्या है, तो देखो ये 9वां क्वेश्चन आपका है, ये 9वां क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां पर आपका निबंध लिखना है, 9 नंबर का आएगा, बोर्ड द्वारा जारी किया गया, ये आपका मॉडल पेपर है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, ठीक है,
तो ये आप याद रखना, चार क्वेश्चन आएंगे, चार में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना होगा। देखो हवा हवाई बात नहीं करता, जो भी होता है पूरा फैक्ट होता है, प्रूफ होता है, तभी मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ। मेहनत लगती है तो आप भी मेहनत कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर का बटन है उसको दबा दो, देखो किस कलर का हो जाता है, जल्दी से दबाओ, थैंक यू, दबा दिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आपको तैयार करना है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसमें आपको टोटल मिलेंगे 2 नंबर। ये भी प्रश्न भैया आता है, ये देखो 7वां नंबर आएगा, सेम इसी नंबर पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये देख सकते हो 2 नंबर आपका मिलेगा। उसके बाद आता है 8वां, किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर, आपको 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर देना है। टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से आपको 2 के उत्तर देंगे, तो आपको टोटल मिलेंगे 4 नंबर, यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सिंपल, आपको समझ में आयो, नहीं आयो तो मैं यहां पर दिखा दूं। ये देखो 8वें नंबर पर आपका क्वेश्चन आएगा यहां पर, ये देखो संस्कृत से बहुत अब की बार नंबर मिल रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो संस्कृत में आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पुरु राजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ये सारी चीजें, ठीक है। पुरु राजा यमन राजा आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखर का भारतीय वीरा आसीत, भारत के वीर थे, आजादम आजाद थे। तो ये सारी चीजें आप जब याद करोगे बहुत ही सरल होते हैं, मैं इनका जल्दी उत्तर बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% वही आएंगे, 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको तैयार करना है खंड काव्य, खंड काव्य आपका 3 नंबर का आता है। एक बात बोलना चाहूंगा, हर खंड काव्य जिला के अनुसार होता है, आपके जिला में कौन सा खंड काव्य लगता है मैं नहीं बता सकता, तो प्लीज अपने टीचर से जरूर पूछ लें कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, किसको हम तैयार करें। और 100% नहीं बल्कि मैं 1000% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वही आएगा। उसके बाद में लास्ट में अब की बात लिखा हूं 10वें नंबर पर कि रस छंद अलंकार आपको तैयार करने हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि इसमें आपको केवल 3 नंबर मिलेंगे, पहले जो कि टोटल मिलते थे 6 नंबर, इसीलिए मैं इनको शुरू में रखता था और आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब की बार मैं इनको लास्ट में इसीलिए रखा हूं। रस में आपको तैयार करना है हास्य रस और करुण रस। उसके बाद छंद, छंद में आपका रोला एवं सोठा छंद पूछेगा, इसमें आपसे पहचान पूछ सकता है, लक्षण पूछ सकता है, 1 नंबर का ये भी आएगा, उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा छंद है। उसके बाद अलंकार, अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान करने हैं, उदाहरण दे देगा, ठीक है, उसका पहचान करना होगा। उसके बाद आपका आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग का 1 नंबर मिलेगा और प्रत्यय का 1 नंबर, यानी टोटल आपके मिलते हैं 2 नंबर। उसके बाद 12वें नंबर पर आपको तैयार करना है समास, 1 नंबर का ये भी आएगा। उसके बाद तद्भव तत्सम आपको तैयार करना है और पर्यायवाची, ये टोटल मिलेंगे आपको 2 नंबर, 1 नंबर ये, 1 नंबर का ये। तो ये याद रखना, पहले 2 नंबर का आते थे ये, 2 नंबर के। तो धातु रूप लकार मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को संस्कृत याद नहीं होती है और ये मेरे साथ प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। तो आपको लास्ट में धातु रूप हो सके तो याद कर लेना और लकार याद कर लेना, धातु रूप और लकार के 2 नंबर मिलेंगे। और ये टोटल बहुविकल्पी प्रश्न है, ये जितने भी हैं यहां से ये बहुविकल्पी, यानी 20 वाले जो सुपर 20 क्वेश्चन आएंगे आपके शुरुआत में उनमें पूछे जाएंगे, तो आप ये याद रखना, ठीक है। इतने मेहनत भी लगेगी हर चीज में, आपको भी मेहनत कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, कहर मचा देना है, तहलका मचा देना है, आग लगा देना है। नमस्कार।